हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रमज़ान का महीना चल रहा था तो इफ्तार के समय हम लोग सोचे कि आज फ्रूट्स खाएं, तो आज हम लोग वाटरमेलन, प्रोमोग्रेनेट, एप्पल और बनाना खाने वाले हैं। तो ये आज हमारे यहाँ पे कुछ फ्राइज़ या फिर तला हुआ नहीं है, क्योंकि इफ्तार का समय है ना, तो हमें वाटर इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए। सुबह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो वाटरमेलन ना हमें एकदम हाइड्रेट कर देता है और हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखता है। बस an apple a day keeps a doctor away, so make sure you eat an apple as well. बार बार फ्रूट्स खाना बोलते फिर बोर हो जाते हैं ना, इसलिए ऑल्टरनेटिव डेज हम लोग फ्राइज बनाते थे हुए खाते, जैसे पकोड़े, आलू भजी या मिर्ची भजी खा लेते बना के, हमें हमारी मम्मी बना के देते और वो खा लेते ऑल्टरनेटिव डेज। तो कोई बात नहीं, अगर आप कभी कभी ऐसा खा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करने का ट्राई करना चाहिए हमें, ऑयल फूड या जो कुछ भी हो। और यहाँ पे हम लोग मीठे ने ना फालूदा बनाया था, ये फालूदा शायद रोज़ फ्लेवर का था और इसका वीडियो भी मैंने डाला यूट्यूब पे, आप ज़रूर देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके। और ये बहुत टेस्टी बना था गाइस, इसमें सेमिया था, चिया सीड्स थे, जो कि आपके बॉडी को एकदम कूल कर देते हैं और एकदम इफ्तारी के समय पर खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था और शायद ये 23rd पारा होगा और इंशाल्लाह ये पूरा हो गया, मैं वापस और एक बार दौर करूँगी इसका और अच्छा नेकी कमाऊंगी। एंड 6:30 इफ्तारी का टाइम हो चुका है बाय द वे, और अब हम लोग इफ्तार भी खोलने वाले हैं, रोज़ा खोलने वाले हैं। और देखिए हमारे पास इतनी आइटम है खाने के लिए, हलीम, फ्रूट, फालूदा और पानी, खजूर। हमेशा ना खजूर से ही अपना रोज़ा खोले, क्योंकि खजूर एकदम खजूर खाने से ना सुन्नत मिलती है और वो उसमें ना ज़्यादा कुछ ऐसा होता है ना कि हमारे उसमें एक अलग ही पावर आ जाती है वो खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रगुजार है इतना सारा खाने के लिए हमें फरमाया है, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं बस 300 से एक थोड़ी 2 या 3 इंची दूर हूँ, पर प्लीज़ सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय, अल्लाह हाफिज़।